गुजरातियों के पास एंडलेस वैरायटी होती है ढोकले की, तो आज मैं भी एक अनोखा ढोकला आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं बना रही हूँ सूजी से, मतलब कि रवा से। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में एक कप से ज्यादा, थोड़ा सा, मतलब यू कैन से कि 1 cup + 2 tablespoons सूजी ली है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा नमक, और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ 1/2 cup ये दही है मेरे पास, ये घर का बनाया हुआ दही है, आप कोई भी दही ले सकते हो। ये मेरे पास फाइनली चॉप्ड फ्रेश वाली मिर्ची है और जिंजर है, मैं वो डाल देती हूँ। आपको जिंजर नहीं चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, आपको मिर्ची नहीं चाहिए तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हो, पर ये जो अदरक और हरी मिर्च होती है ना, वो ढोकले में बहुत अच्छा स्वाद देती है और उसकी महक भी बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी, पहले मैं 1/4 cup ही पानी डालती हूँ, 1/4 cup पानी मैंने डाल दिया, और मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल के ये मिक्स कर देती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि सूजी होती है वो काफ़ी सारा पानी सोक करती है, और हम ये ढोकला आज सिर्फ सूजी से बना रहे हैं तो बैटर में और कुछ नहीं जाएगा, तो सूजी को फूलने के लिए अच्छा खासा मॉइस्चर चाहिए होता है। और बस यही टाइम पे मैं बैटर को ढक देती हूँ और इसको 15 मिनट रखेंगे, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। 15 मिनट हो गया है और मैं चेक कर लेती हूँ, ये मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं, एक मिनट। इसको मैं पहले बंद कर देती हूँ। ओके, अब मैं चेक कर लेती हूँ पहले ये कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये कितना थिक हो गया है ना, सूजी ने अच्छा खासा पानी सोक कर लिया है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है, जैसे कि इडली डोसे का बैटर कैसी कंसिस्टेंसी का होता है ना, मुझे वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और मैंने पीछे पानी भी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि ढोकला हमें स्टीम भी करना है ना, तो वो भी मैंने रख दिया है। ये अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है, और ये मेरे पास 1 teaspoon फ्रूट सॉल्ट है, फ्रूट सॉल्ट मतलब वो इनो आता है ना, उसको फ्रूट सॉल्ट कहते हैं, इनो इज जस्ट अ कंपनीज नेम। सो मैंने ये एक पाउच है वो पूरा लिया हुआ है। अगर आपके पास ये फ्रूट सॉल्ट नहीं है, वैसे तो बहुत आसानी से आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर अगर नहीं है तो आप 1/4 teaspoon खाने का सोडा डाल सकते हैं, पर उसके बाद आपको उसको लगातार 5 से 7 मिनट तक फेंटना पड़ेगा, इसमें अपने आप वो फ्रॉदी हो जाता है। तो ये मैं फ्रूट सॉल्ट डाल देती हूँ। देखिए फ्रूट सॉल्ट डालते ही बैटर हमारा काफ़ी लाइट बन जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा फ्रूट सॉल्ट ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, स्पेशली जिस जो स्टीम वाला कुकिंग है उसमें। अब मैं इसको, अभी आप इसको प्लेट में भी बना सकते हैं, पर मेरा स्टीमर बहुत छोटा है तो उसमें ये वाला ही फिट बैठता है, तो मैं ऐसा वाला टिन ले रही हूँ, पर आपके पास जो भी हो वो स्टील की थाली भी चलती है। बस इसको ग्रीस कर लीजिएगा जैसे कि मैंने इसको ग्रीस किया है, वरना वो ढोकला बाहर नहीं आता है, चिपक जाता है। ये बैटर से मैं 2 बार ढोकले को स्टीम करूंगी। अब मैं इसका 1/2 बैटर ही डालूंगी, ये केक की तरह पूरा नहीं भरेंगे हम, तो ये 1/2 बैटर गया, और अब मैं ढोकले को स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए पानी भी अच्छा खासा गर्म हो गया है, उबलने लगा है, और मैं ये वाला अंदर रख दूंगी, और ये ढोकले को स्टीम होने के लिए 10 से 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट हो गए हैं, मैं ढोकला को एक बार चेक कर लेती हूँ। यस, ढोकला पक चुका है, मैं निकाल लेती हूँ।
ढोकला को मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद कट करके हम मसाला ढोकला बनाएंगे। ढोकला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। चलिए अब ढोकले, ये तो प्लेन वाला ढोकला बन गया है, अब ये प्लेन वाले ढोकले को बनाते हैं मसाला ढोकला। 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। आपने नोटिस किया, हमने ढोकला के अंदर बिल्कुल तेल नहीं डाला था। अब ये तेल के अंदर मैं डाल देती हूँ ये थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, आप चाहो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। जीरा क्रैकल हो गया है, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ये 1 चुटकी जितनी हींग, और अब मैं डाल देती हूँ ये मेरे पास फाइनली चॉप लहसुन है, मैं वो डाल देती हूँ। आप चाहो तो कड़ी पत्ते भी डाल सकते हो, बिकॉज हम वैसे भी इंडियन मसाला बना रहे हैं। और मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग अनियन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप सूखा वाला प्याज भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा नमक, याद रखिए कि ढोकले के अंदर भी हमने अच्छा खासा नमक डाला हुआ है, तो जो अब मसाला बना रहे हैं ना, बस उतना ही नमक डालना है। मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, मैंने डाला है पाव भाजी का मसाला। आपके पास अगर पाव भाजी का मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, आप टिक्का मसाला डाल सकते हैं, किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं डाल देती हूँ ये 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। ढोकले के अंदर भी हमने हरी मिर्च डाली थी, तो ये मैंने कश्मीरी चिली पाउडर डाला है, बिकॉज मुझे सिर्फ कलर चाहिए, तीखापन तो ऑलरेडी ढोकले के अंदर है। और मैं ये डाल देती हूँ बारीक चॉप किए हुए टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। ये अब टोटली ऑप्शनल है, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून टमेटो केचप है। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ये पसंद नहीं होता है, पर मेरी बेटी इसको बहुत ही पसंद करती है। और समहाउ जब टमेटो बेस कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो हल्का सा उसका जो स्वीटनेस होती है ना टमेटो सॉस की, वो बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। बट हाँ, ये एब्सोल्युटली ऑप्शनल है, तो आप पे डिपेंड करता है। बस ये हमारा मसाला तैयार है। इसके अंदर थोड़ा सा, बस आधी चम्मच जितना पानी डाल देती हूँ, ताकि जब हम ढोकला डालें तो वो तुरंत चिपक ना जाए। और यही टाइम पे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये ढोकला, आप चाहो तो छोटा भी कट कर सकते हो, तुरंत ही हम मिक्स कर देंगे। ये ढोकला को ना मैं टॉस कर देती हूँ। बस इसको ज्यादा नहीं, जैसे ही मसाला पक जाए ना, तो उतनी देर ही हमें पकाना है कि जब तक और ढोकले पे सारा मसाला कोट हो जाए। और मैं डाल देती हूँ ये धनिया, धनिया के बिना तो मेरी कुकिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। कभी कभी ना मेरे घर वाले मजाक भी करते हैं कि डेजर्ट या पुडिंग में भी धनिया डाल दे। कितना अमेजिंग एंड टेम्पटिंग लग रहा है ना, ढोकला तो मेरा तैयार है, अब करते हैं प्लेटिंग। अब मैं ये मसाला ढोकला प्लेट में डाल देती हूँ, ऊपर से बस वापस थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी और उतना ही डिलीशियस मसाला ढोकला। ढोकला तो भाई गर्मा गर्म ही खाते हैं, तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। सॉरी, सच बोलूं, मस्ट ट्राई।